बागली के वाघ योग चेतना पीठ के मुकुंद मुनि रामाधार जी महाराज का गुरुवार देर रात इंदौर के अस्पताल में निधन हो गया। बागली के मुनि श्री संस्कृत विद्यालय के संस्थापक भी थे। गुरुवार रात्रि को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। मुकुंद मुनि जी के हजारों शिष्य और अनुयायी प्रदेश ही नहीं भारत के कोने कोने में हैं। उन्होंने बागली में संस्कृत विद्यालय की स्थापना के साथ ही यज्ञ पुराण जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान किए, कई शिष्य को प्रकांड पंडित बनाने का कार्य किया है। जैसे ही उनके निधन की खबर बागली क्षेत्र में फैली, क्षेत्र में उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। शुक्रवार के दिन दूर दूर से उनके शिष्य और अनुयायी बागली पहुंचने और अंतिम दर्शन किए। बागली नगर में अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुकुंद मुनि श्री रामाधर जी का अंतिम संस्कार बागली के जटाशंकर धाम पर किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पंडित रामाधर जी द्विवेदी मुकुंद मुनि बागली नगर और इस संपूर्ण क्षेत्र में जिस यशस्वी पुण्य आत्मा ने धर्म अध्यात्म संस्कृति और देवभाषा संस्कृत की पवित्र त्रिवेणी को सज्जित किया था, आपके सत्कर्मों से और अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों से संपूर्ण क्षेत्र का वैभव हमारे भारतवर्ष में स्थापित हुआ था। निश्चित रूप से आपका देवलोक गमन हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, उसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। और परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो उनकी मधुर स्मृतियाँ सदैव हमें सत्प्रेरणाएँ प्रदान करती रहेंगी, वे प्रेरणा के यशस्वी पुंज हैं। हम उनको आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्म शांति की प्रार्थना करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।